ये सर रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में पहले से और ज़्यादा तेजी बनती नज़र आ चुकी है। यूएस सोयाबीन वायदा देख रहे हैं 1570 के भी ऊपर जा चुका है। कल को 1560 के आसपास था, 1568 पर, लेकिन आज देख रहे हैं कि $1570 के भी पार जा चुका है। इस वक्त $1576 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, आधे फीसदी की तेजी है। रूपा जी, विदेशों में सोयाबीन तेज है, हमने अब कल के कारोबारी सत्र में NCDX पर भी सोयाबीन में 6600 का लेवल आते हुए देखा था। फरवरी वायदा में, मार्च वायदा ने 6700 के ऊपर का लेवल दिखा दिया था। अब आपको क्या लगता है, क्या ये संकेत है, क्या ये इशारा है कि आगे सोयाबीन में यहाँ से अब 6900 या 7000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी तेजी का रुझान जो है वो बना हुआ है और विदेशी बाजार जिस तरीके से अब तक मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है और ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। और अभी सोयाबीन के अंदर क्योंकि फंडामेंटल तो काफी सपोर्टिव है लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उतना उछाल नहीं आ रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अभी मुझे लगता है कि आगे चलकर हो सकता है आपको 10 से 15 दिन का टाइम लगे और उसके बाद जो है तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे क्योंकि विदेशी बाजारों का असर डोमेस्टिक मार्केट पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।